नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कई बार बालों में जुएं शर्मिंदगी का कारण बन जाती हैं। आप दादी माँ के ये घरेलू नुस्खे अपनाकर इससे हमेशा के लिए दूर कर सकती हैं। आइए जानते हैं कैसे। नंबर एक, प्याज का रस लगाएं। बालों के जुए हटाने के लिए प्याज का रस लगाना फायदेमंद हो सकता है। प्याज के रस में एंटी माइक्रोबियल गुण मौजूद होते हैं, जो जू को मारने में मददगार हो सकते हैं। इस तरह लगाएं प्याज का रस। 2 से 3 प्याज लें और मिक्सी में पीसकर उसका रस निकालें। अब इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी डालें और अच्छी तरह से मिलाएं। फिर इस पेस्ट को अपने स्कैल्प पर अच्छी तरह से लगाएं और 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। समय पूरा होने के बाद बालों को शैम्पू से धो लें। नंबर 2, नींबू का रस। नींबू के रस में जुओं को मारने के गुण मौजूद होते हैं, खासकर ये बड़े जुओं के खिलाफ अत्यधिक प्रभावशाली माना गया है। इसके लिए नीचे बताए गए तरीकों को अपना सकते हैं। 8 से 10 नींबू को अच्छी तरह से निचोड़ लें, फिर उसे स्कैल्प पर अच्छी तरह से लगाएं और 15 मिनट के लिए रहने दें। 15 मिनट बाद बालों को धो लें। नंबर 3, लहसुन और नींबू का पेस्ट। लहसुन और नींबू का पेस्ट भी बालों से जुएं खत्म कर सकता है। लहसुन में 8% सांद्रता के साथ इंथेनॉल होता है, जो 0.030 घंटे के भीतर सिर के जू को मारने में कारगर साबित हो सकता है। वहीं नींबू के बारे में हम बता ही चुके हैं कि इसमें जुओं को मारने के गुण मौजूद होते हैं। ऐसे में आप सिर की जुओं को हटाने के लिए लहसुन और नींबू के पेस्ट को निम्नलिखित तरीके से अपना सकती हैं। 1 जार में 10 से 12 लहसुन की कलियां लें। अब इसमें नींबू निचोड़कर इसे पीस लें। फिर इस पेस्ट को बालों में लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अंत में गुनगुने पानी से अपने बालों को धो लें। नंबर 4, नीम का रस या नीम का तेल। स्वास्थ्य के लिए नीम को बेहतर लाभकारी माना गया है। इसके अलावा ये बालों से जुओं को भी खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बताया जाता है कि नीम में जुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। ऐसे में नीम का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है। अपने शैम्पू में 1 चम्मच नीम का तेल या रस मिला लें। अब उस शैम्पू से अपने बालों को धोएं। अंत में बालों को कंघी कर लें। नंबर 5, टी ट्री ऑयल। जुओं को मारने के लिए घरेलू नुस्खे के तौर पर टी ट्री ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल टी ट्री ऑयल में परजीवी और उनके अंडों को नष्ट करने की क्षमता होती है। इस आधार पर बालों से जुओं को हटाने के लिए टी ट्री ऑयल के उपयोग की भी सलाह दी जाती है। बालों के लिए टी ट्री ऑयल को इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदें रात में सोने से पहले अपने बालों में लगाएं, फिर तकिए पर एक तौलिया बिछाकर सो जाएं। सुबह उठते ही बालों को कंघी करें और मरी हुई जू को निकाल दें। नंबर 6, कंघी जू निकालने में फायदेमंद। बालों से जुएं को निकालने के लिए कंघी को भी फायदेमंद माना गया है। इसके लिए सबसे पहले अपने बालों को गीला कर लें, फिर उसे पतले दांत वाली कंघी से ऊपर से नीचे की ओर झाड़ें। इस प्रक्रिया को दिन में कम से कम 2 बार जरूर करें। ऐसा करने से बालों से जू आसानी से निकल जाएंगी। नंबर 7, नमक और सिरके का घोल। बालों से जुओं को निकालने के लिए नमक को भी बेहद कारगर माना गया है। बताया जाता है कि नमक यानी सोडियम क्लोराइड जू और उनके अंडों की बाहरी सुरक्षात्मक परत को हटा देते हैं और निर्जलीकरण से उनकी मृत्यु हो जाती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नमक का इस्तेमाल करके भी बालों से जू निकाली जा सकती हैं। जू निकालने के लिए नमक का इस्तेमाल इस प्रकार से कर सकते हैं। 1 स्प्रे बोतल में 3 से 4 चम्मच सिरका डालकर उसमें
नमक अच्छी तरह से मिलाएं, फिर उस घोल को अपने बालों पर स्प्रे करें। अब बालों को शावर कैप से ढककर 2 घंटे के लिए छोड़ दें। अंत में बालों को शैम्पू कर लें। नंबर 8, मेथी का पानी। मेथी का पानी भी बालों के जुओं को मारकर नष्ट कर सकता है। मेथी में ऐसे कई गुण होते हैं जो बालों के लिए लाभकारी माने जाते हैं। उन्हीं में से एक गुण है एंटी माइक्रोबियल गुण, जो कई प्रकार के बैक्टीरिया और जीवों को मार सकता है। इस आधार पर देखा जाए तो मेथी को भी बालों के जूं हटाने के घरेलू नुस्खे में शामिल किया जा सकता है। मेथी पानी बनाने का तरीका। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना रात भर भिगोकर रख दें। अगली सुबह उसका पेस्ट बनाएं और अपने बालों में लगाएं। 1/2 घंटे बाद बालों को शैम्पू कर लें। नंबर 9, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में एसिडिक प्रभाव होता है। इसका यह एसिडिक गुण जुओं को मार सकता है, इसलिए निम्नलिखित तरीके से बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने कंडीशनर में बेकिंग सोडा मिलाएं और उसे बालों में लगाएं। 5 से 7 मिनट बाद बालों को पतली कंघी से झाड़ें। अंत में बालों को शैम्पू से धो लें। नंबर 10, दही। बालों के लिए दही को बेहद लाभकारी माना गया है। ये बालों को कंडीशन करने के साथ साथ जुओं से भी छुटकारा दिला सकता है। बता दें कि दही एंटी माइक्रोबियल गुण से भरपूर होता है, जो कई तरह के बैक्टीरिया और परजीवियों को मारने में सक्षम है। बालों से जुएं हटाने के लिए दही का इस्तेमाल इस प्रकार कर सकते हैं। 1 छोटी कटोरी में 3 से 4 चम्मच दही निकालें, फिर उसे अपने स्कैल्प और बालों में अच्छी तरह से लगाएं। अब 30 मिनट के लिए उसे वैसे ही छोड़ दें। अंत में अपने बालों को शैम्पू कर लें। नंबर 11, नीम की निमकौली जमा कर लें। उसके बीज तोड़कर निकाल लें और उन बीजों का पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। अब उस पेस्ट में सरसों का तेल मिलाकर बालों की जड़ों में लगाकर रात भर लगा रहने दें, फिर पानी से धो लें। ऐसा हफ्ते में 2 से 3 बार करें। कुछ ही समय में सारी जूं खत्म हो जाएंगी। नंबर 12, ये नुस्खा मेरा खुद का किया हुआ है और काफी इफेक्टिव भी है। इस नुस्खे को आप हर दूसरे दिन कर सकती हैं। सारी जूं पानी में बहकर निकल जाएंगी। तो करना ये है, जब भी आप बालों में शैम्पू करें और बालों को धोएं, तो धोते वक्त बालों को कंघी या कंघे से काटते जाएं। थोड़ी देर तक बालों को काटते रहें। ऐसा करने से आपके सर की सारी जूं 1 से 2 बार में ही निकल जाएंगी। नंबर 13, रात में सोने से पहले जैतून के तेल से स्कैल्प और बालों की अच्छे से मालिश करें और फिर अगली सुबह बाल धो लें। नंबर 14, अगर बालों में जुएं ज्यादा दिनों तक रहते हैं तो इससे सिर में घाव या फिर मुहासे हो सकते हैं, साथ ही स्कैल्प पर संक्रमण फैलने का भी खतरा बढ़ सकता है। नंबर 15, 100 ग्राम या 150 ग्राम नीम के पत्ते 250 या 300 ml पानी में उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो इसे छानकर ठंडा कर लें, फिर इसे एक स्प्रे बोतल में भरकर रख लें। स्प्रे से ये पानी बालों पर लगाकर हल्की मसाज करके लगभग 1/2 घंटे के लिए छोड़ दें, फिर सिर को धो लें। पहले इस्तेमाल के बाद ही आपको जुओं से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। इस वीडियो का मकसद सिर्फ जानकारी देना है। स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह या जांच के लिए किसी पेशेवर डॉक्टर से बात करें। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।